छठ पूजा के मौके पर कोलकाता के बाबू घाट पर भारत क्षत्रिय समाज द्वारा कैंप लगाया गया है, जिसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया। आइए जानते हैं क्या कहा इन्होंने। स्पीकिंग है और ये बंगाली स्पीकिंग है नहीं, हम लोग सब इंडियन है, भारत माता की संतान है और हिंदू है, गर्व से बोलो हम हिंदू है। स्वामी विवेकानंद की आप लोग सब फॉलोअर्स है, ठीक है। और बंगाल में भी राष्ट्रवाद और सनातन कल्चर को आगे ले जाने के लिए और जो तुष्टिकरण चल रहा है उसका खत्म करने के लिए आप सब लोग मुझे आशीर्वाद कीजिए, मैं पूरा करूंगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी का जो सपना है हिंदू के लिए वो पूरा मैं करूंगा। सब अच्छा रहिए। छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की, हर 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 जय श्री राम। विचार व्यवस्था मीडिया, बहुत बहुत धन्यवाद श्री शुभेंदु अधिकारी, नेता प्रतिपक्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा। পুষ্টিকরণ পরিবারবাদ সেবামূলক আত্মসন এই তিনটাই খতম করতে হবে, এটা মোদীজির স্বপ্ন। রাজ্যের যে অবস্থা, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা আপনি আজ ছোটি মাইয়া কে দিন অধিকারী পশ্চিম বঙ্গাল বিধায়ক নেতা প্রতিপক্ষ বিধানসভা। কতনা দিন চলেগা শিবির? দু দিবসীয় শিবির হতা আজ ইসা উদ্ঘাটন হুয়া কল 12 বজে সমাপন হয়ে যায়। क्या क्या इसमें और क्या क्या काम करेंगे जो वर्षधारी आएंगे आपके कैंप के इधर से जाएंगे? इसमें सारा काम हमारा जो है, जो जो छठ व्रतियों के सुविधार्थ होता है, जो किसी कोई सामग्री से वंचित है, पूजन सामग्री किसी के पास नहीं है, वो हम उपलब्ध कराते हैं। उसमें साड़ी नारियल वाले जितनी पूजन सामग्री से हमारे पास अतिरिक्त है, जिसके पास यदि नहीं है हम उनको उपलब्ध कराते हैं। बाकी चाय और पानी की जो है कल दोपहर बारह बजे तक व्यवस्था है। साल भर क्या काम करते हैं आप? साल भर हमारा गंगा सागर शिविर चलता है, आठ दिवस भी, इसलिए कि आठ दिन बाद में फिर तीर्थयात्री अपने अपने गंतव्य स्थान तक जा चुके हैं। हम 9 तारीख को उद्घाटन करते हैं और 15-16 तक चलाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं 17 तारीख को भी इसलिए चलाया कि कुछ दर्शनार्थी जो है वहाँ कंपाउंड में रह जाते हैं, तो जब तक अंतिम दर्शनार्थी वहाँ होता है गंगा सागर तब तक हम हमारा जो तीनों प्रहर का लंगर चलाते हैं, हमारा कैंप लगा रहता है। ब्लड डोनेशन करते हैं हम हर साल, और कोविड में हमने जो है कि बहुत काम किया है। खाली घर वाली बोल के हमने एक जो है कार्यक्रम चलाया था, उस समय दहशत का माहौल था चारों तरफ, कहीं भी कुछ नहीं, आदमी से मिलने से घबराता था। उस समय हमने लोगों के घर घर में राशन पहुँचाया है, पका हुआ खाना पहुँचाया है, औषधि पहुँचाई है, जितना बन पड़ा हमने किया। तो किसी का तबियत वबियत खराब हो जाए या फिर व्यवस्था है, मेडिकल का भी व्यवस्था है, मेडिकल का भी दवा पूरा रखा गया है। जितने लोग आते हैं, किसी को जल गया, कट गया, सारा सेवा, बुखार का, दर्द का सब मेडिसिन भी हम लोग के पास उपलब्ध है। मेडिकल टीम रहता है रहने भर, एम्बुलेंस भी हम लोग मांगा कर रखते हैं, किसी को जरूरत होता है एम्बुलेंस से हम लोग हॉस्पिटल भेजने की व्यवस्था अपने पास रखते हैं। हम सेवा लगातार रात भर जो भी जरूरत है, सुबह में फूल दूध दातमान सारा चीज़ की व्यवस्था है, सुबह में चीज करा किसका सपोर्ट है यहाँ पे, किसका सपोर्ट है? प्रशासन का कैसा सपोर्ट है? प्रशासन का सहयोग ठीक है, पुलिस भी व्यवस्था अच्छा रहता है, बड़े अच्छे ढंग से निभाता है, पुलिस की तत्परता से इतना सारा काम। पुलिस और सरकार दोनों का ही इसमें जो है बराबर का ही योगदान है, प्रशासन की जगह की जगह बाकी। इसके पहले आपने देखा होगा विगत वर्षों में कभी भी ये छठ का जो कार्यक्रम हुआ करता था सरकार इतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन जब से ये सरकार है 2011 से, इसके बाद में लगातार घाटों की साफ सफाई, रख रखाव, मेंटेनेंस, प्रशासन की सतर्क रहता है दिन रात, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। सरकार 2 दिन छुट्टी दी है, क्या बोलिएगा? छुट्टी नहीं मिलता, विलम्ब से दिया था, पहले ही हो जाना चाहिए था।
ये छठ महोत्सव जो है, छठ पर्व जो है, कभी बिहार और उत्तर प्रदेश के सुदूर अंचल से निकला, तब ये विश्वव्यापी जो उत्सव हो चुका है, जो दो दिन छुट्टी दी है, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं हम ममता बनर्जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, पश्चिम बंगाल सरकार के तहे दिल से आभारी। संस्था क्या अपना नाम है, सुजीत सिंह नाम है मेरा, अध्यक्ष में हूँ मैं। अपना नाम डिजिनेशन रविंदर सिंह दीपक, संस्था के जॉइंट सेक्रेटरी। ठीक है।